नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम बरगाई स्वागत करता हूँ आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री की, और हम इनको देखेंगे ट्रिक के साथ। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और लास्ट तक आपको पूरी सीमा रेखाएं याद हो चुकी होंगी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहली रेखा की बात करते हैं। पहली रेखा क्या है सर? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस किन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? सर, भारत और चाइना के बीच सीमा का निर्धारण जिस रेखा से होता है उसे कहते हैं सर मैकमोहन रेखा। कहाँ है ये हो गया अफगानिस्तान का पार्ट, यहां से होगी चाइना। ठीक, ये अपना ये वाली जो सीमा रेखा है इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। अब आप कहेंगे कि इसको चाइना क्यों एक्स, तो आप कहेंगे कि हमारी सीमा रेखा के साथ डिस्प्यूट क्यों चलता है चाइना के साथ? क्योंकि सर चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इस सीमा रेखा को नहीं मानती है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनकी सीमा रेखा क्या है? सियोन डॉट लाइन। ठीक है, तो ये कब बनी थी? जब हम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत थे 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया था। किसने सर? सर मैकमोहन ने। ठीक है, दूसरी रेखा की बात करते हैं। दूसरी रेखा है डोरंड रेखा। अब डोरंड रेखा किस किस के बीच में है सर? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में है सर डोरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कब बनी थी ये? ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1886 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। कहां पे है ये रेखी? ये रही डोरंड रेखा। ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इसको इसका निर्माण 1886 में सर मार्टिमर डोरंड ने किया था। ठीक है, ये क्या था? एक कमीशन की स्थापना की गई थी अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा, तो ये ब्रिटिश इंडिया था, अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की थी जिसे डोरंड कमीशन कहा गया था। उसके हेड थे मार्टिमर डोरंड। ठीक है, इसलिए इस रेखा का नाम डोरंड रेखा कहा गया। और इस समय वहां भारत में एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लैंसडाउन, सर लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, अगली लाइन की बात करते हैं। अगली लाइन है रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा, इसको वैसे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे डोरन लाइन हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया और रेड क्लिफ, ये तो हमें बेसिक पता होनी चाहिए भाई इंडिया की जो बाउंड्री रेखा है। पर फिर भी अगर रेड क्लिफ की बात करें, इसको याद करने क्या कहेंगे हम? रेड, रेड से क्या होता है? ब्लड, ब्लड ब्लड रेड होता है। और सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ बहता है सर? ब्लड सबसे ज्यादा बहता है अपना इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 की बात करते हैं, तो उस समय इंडिया से दो भाग, एक भाग टूट के पाकिस्तान में था। अब उस समय क्या था? ये एक पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाया और ये वाला पार्ट क्या कह रहा है? ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था उस समय, ये भी पाकिस्तान था, इसे वेस्ट पाकिस्तान और इसे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या हुआ? अब जो पाकिस्तान के ये वाले लोग थे, ज्यादातर मेजोरिटी पाकिस्तान जो बना था उसके हेड और काउंसिल, मतलब हेड जो थे गवर्नमेंट के, वो यहीं से थे। तो यहाँ के लोगों को ढंग ट्रीट नहीं करते थे, यहाँ पे अत्याचार, ब्यूटी अत्याचार ज्यादा होता था। तो ये कब बना? ये फिर बना 1971 में इंडियन आर्मी की सहायता से बना, ये नया देश बना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बना। तो अब अभी की बात करेंगे, तो उस समय क्या था? रेड क्लिप ने दो लाइनें बनाई थी। रेड क्लिप क्या थे सर? रेड क्लिप एक वहां के अध्यक्ष थे। रेड क्लिप मतलब ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ये लाइन का निर्धारण करा गया था। ठीक है, तो ब्रिटिशरों ने इनको जिम्मेदारी दी थी आप ये लाइन को, तो इनने दो लाइनें बनाई। एक तो ये लाइन बनाई, इससे ये वाले पाकिस्तान को अलग करा, और एक ये वाले लाइन बनाई, इससे ये वाले ईस्ट पाकिस्तान को लग रहा। ये बन गया सर वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान। पर 1971 में इंडियन आर्मी की सहायता से इसको आजाद करा दिया गया, इसका नाम बन गया बांग्लादेश। तो अभी की बात करेंगे राइट नाउ की, तो अभी जो रेड क्लिप लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच तो सीमा का निर्धारण करती है, पर भारत और बांग्लादेश भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर भारत और बांग्लादेश के बारे में पूछेंगे तब भी रेड क्लिप, और भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिप है ही। ठीक है, अब अगली लाइन सीमा रेखा की बात करते हैं, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में सर? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब हम सिंपल वैसे याद रखते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? वो है सर 38वीं पैरेलल लाइन।
38वीं। अब इसको याद करेंगे हम, दिमाग में रखेंगे नॉर्थ कोरिया में किम, यहाँ पर किम जोंग है, किम जोंग है तो वो थोड़ा खतरनाक टाइप के हैं, तो नॉर्थ डिक्टेटर। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मतलब में क्या है, 36 का आंकड़ा है, तो 36 प्लस 2 38, 36 ही हो गए और दो ये देश हो गए 38। तो 38वीं पहले है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अपोजिट भी याद कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 36 का आंकड़ा, 36वीं पहले है 38 माइनस 2 36। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं, अगली है सर 49वीं पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा। एक इनके दो देशों के बीच में अमेरिका और कनाडा के बीच को जो सीमा का निर्धारण कर, सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो है 49वीं पैरेलल रेखा। कहाँ का है, कहाँ है सर, ये कनाडा है और ये यूएसए है। इसको याद करने का थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। याद करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 49 देखते हैं, 49। अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, 4 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ये, और 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे उल्टा। तो ये क्या हो रहा है, यू से यूएसए, सी से कनेडा, तो यूएसए और कनेडा के बीच में है 49वीं पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर आता है, सॉरी, फिर आता है आपका हिडन वर्ग लाइन, हिडन वर्ग रेखा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, हिडन वर्ग रेखा की एक ट्रिक है, क्या है, हिडन क्या करा, हिडन करी मनी, हिडन मतलब छुपाना, हिडन करी मनी, सॉरी, हिडन करी क्या, मनी को हिडन करा, कहां करा, मनी हिडन करी, हिडन करी मनी पोल के नीचे, हिडन करी मनी पोल के नीचे। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। और फिर क्या है, फिर उसे उसे क्या करा, निकालने का ऑर्डर दे दिया। का ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, तो क्या बना पूरा, मनी हिडन करी मनी पोल के नीचे, फिर उसे निकालने का ऑर्डर दिया। तो यहां से देखते हिडन, हिडन से आएगा हिडन वर्ग लाइन, कहां का है, मनी, मनी से जर्मनी और पोल से पोलैंड। तो हिडन वर्ग, हिडन वर्ग रेखा किस किस दो देशों के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, और उसके बाद इस ट्रिक को थोड़ा आगे और विस्तृत किया गया है, तो आगे हम देखते हैं फिर क्या है इसमें, फिर उसे निकालने का ऑर्डर दिया, निकालने का ऑर्डर दिया, किसको निकालने का ऑर्डर दिया, दो जो हमने मनी की, मनी छुपाई थी पोल के नीचे। तो यहां से भी मनी और जर्मनी और पोलैंड बनेगा, तो यहां से कौन सी चीज हमारे बनेगी, ऑर्डर नी से, ऑर्डर नी से आगे आपको मिलेगी। तो ऑर्डर नी से किस किसके बीच में, वो भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का हमें एक पुशअप मिलता है। ओके, तो अगली रेखा की बात करते हैं, अगली है सर मैगिनोन। यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक और देखते हैं सर। एक ट्रिक तो है हिडन करी मनी पोल के नीचे, फिर उसे निकालने का ऑर्डर दिया। दूसरी ट्रिक है मैगी फ्राई, क्या है सर, मैगी, मैगी फ्राई, मैगी फ्राई। अब मैगी फ्राई की बात करेंगे सर, मैगी फ्राई कहाँ मिलती है, गैस करो। हम अपने दिमाग में इसे स्ट्रेटेजी के रूप में स्टोर कर सकते हैं। मैगी फ्राई मिलेगी सर जर्मनी और फ्रांस में, मैगी फ्राई कहाँ मिलेगी सर, जर्मनी और फ्रांस में। अब यहां से हम दो ट्रिक याद कर सकते, मतलब दो सीमा रेखा याद करेंगे मैगी फ्राई से। मैगी फ्राई कहाँ मिलती है सर, जर्मनी और फ्रांस, इसको मतलब जर्मनी और फ्रांस, इसको अपने दिमाग में क्लिक कर दीजिएगा। तो अब मैगी से आएगा मैगी नॉट लाइन, मैगी नॉट रेखा, कहां का है सर, मैगी नॉट रेखा है सर, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट रेखा है। और फिर क्या है, दूसरा है फ्राई से, फ्राई से क्या है, फ्राई से हम याद करेंगे सीज फ्राइड, सीज फ्राइड, तो सीज फ्राइड किस किस दो देशों के बीच में सर, जर्मनी और फ्रांस। अभी तो ट्रिक बन गई, मैगी फ्राई जर्मनी और फ्रांस में मिलती है, तो मैगी से मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और फ्राइड से सीज फ्राइड, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में।
अगली सीमा रेखा देखते हैं, एक है 24वीं पैरेलल लाइन, तो ये क्या है, इस लाइन को पाकिस्तान कहता है, जो हमारे भारत का गुजरात में कच्छ का एरिया है वहां पे ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है, पर इसको हम नकारते हैं क्योंकि हम रेड क्लिप लाइन को मानते हैं। ठीक है, खासा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर है 17वीं समांतर रेखा, अब 17वीं समांतर रेखा, अब इसको भी 17 से याद करें, 17 से होता है खतरा, 17 खतरा बोलते हैं ना, 17 खतरा, तो 17 से हो गया खतरा, खतरा किस किससे होता है सर, जो अपना फेस दिखाते हैं उनसे तो नहीं होता, जो अपना फेस छुपा के रहते हैं, मतलब बिना फेस, बिना नाम के लोगों से, मतलब जो फेस छुपाए मतलब उनका नाम कैसे पता चले, तो बिना खतरा किसे होता है, बिना बिना नाम के लोगों से, खतरा की 17 से आएगा खतरा, खतरा किसे होता है, बिना नाम के लोगों से, तो 17 से खतरा, बिना नाम के से साउंड किसका आ रहा है, वियतनाम, तो बिना नाम से वियतनाम, तो 17वीं समांतर रेखा किस किस के बीच थी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, अब ये पूरा एक देश बन गया, पर जब इसका एकीकरण नहीं हुआ था तो तब ये रेखा इन दोनों पार्ट को अलग करती थी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा को कहते थे 17वीं समांतर रेखा। अगली रेखा की बात करते हैं, वो है अगली सीमा रेखा है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये किस किस का है सर, ये अलास्का और कनाडा को अलग करती है, अलास्का और कनाडा को अलग करती है, अनेस्का किस अलास्का किसका पार्ट है सर, यूएसए का। ठीक है, और आप मेरे को नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूएसए से पहले अलास्का किसका पार्ट था, तो यहां पे क्या है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इसका सीमा का निर्धारण करती है, और मैंने आपको बताया था कि कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी रेखा है, ये कनाडा है, तो कनाडा को मैंने ये कनाडा को ऐसे बनाया था, तो इसको हम क्या कहेंगे 9, ये कनाडा बन गया और 4, तो 49, यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है 49वीं समांतर रेखा इनका सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, कनाडा को सी ऐसे लिखते हैं, यूएसए, अब ये है सी, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इस सी को ऐसे बना दिया, तो यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है 49वीं पैरेलल लाइन, और अलास्का और कनाडा के बीच में 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ऑर्डर नीचे की भी आपको बताया था कि पहले मनी हिडन करी थी, मनी पोल के नीचे, फिर उसे निकालने का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर नीचे किसको निकालने का ऑर्डर दिया, मनी जो पोल के नीचे है, मनी किस कहां थी, जो पोल के नीचे, मनी पोल के नीचे जो हिडन करी थी उसको निकालने का ऑर्डर दिया, मनी से जर्मनी, पोल से पोलैंड, तो किसको निकालने का ऑर्डर दिया, मनी जो पोल के नीचे थे उसको निकालने का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर नीचे जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्विक रिवीजन में आप देखते हैं, पहली पहली लाइन कौन सी है सर, पहली है मैकमोहन, अब मैकमोहन तो किसके बीच में थी, चाइना और भारत के बीच में, कब थी सर, 1914 की बात कर रहे थे हम। ठीक है, सर रैटक्लिफ ने, सॉरी क्या थे, सर मैकमोहन ने, फिर दूसरी है रेड क्लिप लाइन, और रेड क्लिप लाइन किन किन दो देशों के बीच में से, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये आपको मैंने सही तरीके से समझा दिया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार लेक्चर देखे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मतलब रेड क्लिप लाइन दो दो देशों के बीच में कैसे बनी, तो ये कब थी सर रेड क्लिप, 1947। ठीक, हिडन वर्क, अब हिडन वर्क मैंने बताया था, हिडन करी थी मनी किसके नीचे, पोल के नीचे, फिर उसको निकालने का ऑर्डर दिया था, तो हिडन वर्क लाइन मनी से जर्मनी और पोल से पोलैंड, और उसे निकालने का ऑर्डर दिया था किसको, मनी जो पोल के नीचे, तो ऑर्डर नीचे जर्मनी और पोलैंड। सीरीज प्राइड और मैगिनॉट, इन दोनों की मैंने एक कमेंट भी बनाई थी, सीरीज फ्राइड, तो सीरीज फ्राइड से फ्राइड आ गया, और मैगी से मैगिनॉट मैंने बनाया था, मैगी फ्राई कहाँ मिलती है सर, जर्मनी और फ्रांस में, तो मैगी से मैगिनॉट और फ्राइड से सीरीज फ्राइड एंड, तो सीरीज फ्राइड एंड और मैगिनॉट एंड किस दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है सर, ये करती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और डोरन रेखा भी मैंने बताई थी,
1886 में किसने सर मार्टिमर डोरन ने, किस किस के बीच में सर, उस समय के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, पर अभी किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। और सपोज कभी एग्जाम में पूछा है कि डोरन रेखा और भारत, और अगर उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं दिया हो और भारत और अफगानिस्तान ऑप्शन दिया हो तो वो भी सही होगा, क्योंकि हम 107 किलोमीटर, कितना है सर, 107 है 106, 106 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण कहाँ करते हैं, सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में है, ठीक है। ये भी ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि डोरन लाइन किन किन दो देशों के बीच में, एक में आ जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर आएगा भारत और अफगानिस्तान और बोथ ए और बी, तो हम ए और बी में क्लिक करेंगे, ठीक है। अगला है 38वीं समांतर रेखा। अब 38 से हमने क्या कहा, 38 से हम माइनस कर देंगे दो, तो 36 में, 36 का आंकड़ा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर रेखा, अब फोर से हमने क्या देखा था, फोर से हमने देखा था यू, और नाइन से देखा था हमने उल्टा नाइन सी, यूएसए और कनेडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा। 17वीं पैरेलल लाइन, 17वीं समांतर रेखा, किस हमने कहा 17 से खतरा, खतरा किससे होता है, बिना नाम के लोगों से, तो वियतनाम, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के की सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती थी, 17वीं समांतर रेखा। फिर है 141 पश्चिम, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये है यूएसए और कनाडा, यूएसए के अलास्का और कनाडा के बीच में। और एक लास्ट वन क्या है, मेन रहीम, अब ये याद रखना है, मेन रहीम है ये, मेक मोहन और मेन रहीम में आप कंफ्यूज मत होना कभी, मेन रहीम किस किस के बीच में सर, रशिया रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है, मेन रहीम रशिया और फिनलैंड के बीच में, और मेक मोहन, मेक मोहन, मेक मोहन से मेड इन इंडिया किसके, ऐसे भी याद रखते हैं, मेक मोहन, मेक इन इंडिया हम किसके खिलाफ ज्यादा कॉम्पिटिशन करते हैं, चाइना के साथ, तो भारत और चाइना के बीच में मेक मोहन, ठीक है, और मेन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ें, और हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब तक सुरक्षित रहे और सेफ रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हैव अ नाइस डे।